भाजे गुफाएं महाराष्ट्र के पुणे डिस्ट्रिक्ट से लोनावाला के पास बसे भाजे गांव में स्थित हैं। इन गुफाओं का निर्माण दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में किया गया था। ये गुफाएं भाजे गांव से 400 फीट की ऊंचाई पर होस चट्टानों को काटकर बनाई गई हैं। गुफाओं का निर्माण अरब सागर से दक्कन के पठार की ओर जाने वाले प्रमुख प्राचीन व्यापारिक मार्ग पर किया गया था। इन गुफाओं में 12 नंबर की गुफा मुख्य स्मारक है, जिसके बाहरी हिस्से पर सुंदर नक्काशी की गई है। गुफा के भीतर एक चैत्य हॉल स्थित है, जिसका निर्माण दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में किया गया था। ठोस चट्टानों को काटकर बनाई इन शैल गुफाओं की खूबसूरती हैरान कर देने वाली है। चैत्य गृह का प्रवेश द्वार अर्धवृत्ताकार आकृति है, जो देखने में घोड़े की नाल के समान प्रतीत होता है। चैत्य गृह के ऊपरी भाग पर दोनों ओर खिड़कियां हैं, इसे मेहराब द्वार के ऊपरी हिस्से पर बनाया गया है। मुख्य स्तूप का निर्माण प्रवेश द्वार से सामने की ओर अंतिम सिरे पर किया गया है। चैत्य ग्रह की लंबाई 59 फीट और चौड़ाई 26 फीट 8 इंच है। इसमें स्तूप के साथ एक अर्धवृत्ताकार हॉल का निर्माण किया गया है, जिसके किनारे की ओर 3 फीट 5 इंच चौड़ा गलियारा है, जिसे मुख्य हॉल के किनारे बने 27 स्तंभ अलग करते हैं। मुख्य हॉल में मौजूद खंभों की ऊंचाई 11 फीट 5 इंच है। इनके ऊपरी भाग से लकड़ी की घुमावदार पट्टियों को छत के साथ जोड़ा गया है। ऊपरी मंजिल पर बनाए गए विहारों तक पहुंचने के लिए चट्टानों को काटकर सीढ़ियों का निर्माण किया गया है। चौदह नंबर गुफा के ठीक ऊपर एक बड़े हॉल का निर्माण किया गया है, जिसके सामने के भाग को पूरी तरह से खुला रखा गया है। मुख्य चैत्य के ऊपरी भाग में स्थित हर्मिका पर बारीक जाली नुमा नक्काशी की गई है। यह सुंदर नक्काशी इस चैत्य के आकर्षण को बढ़ाती है। हॉल के सामने की ओर लकड़ी से बना एक मुखौटा था, जो अब पूरी तरह से नष्ट हो चुका है।
13 नंबर की गुफा में एक बरामदा और 5 विहार हैं। गुफा में स्थित विहारों के द्वार के ऊपरी हिस्से पर की गई नक्काशी मुख्य चैत्य ग्रह के द्वार के ऊपरी भाग पर की गई नक्काशी के समान है। ऊपरी मंदिर में सामने की ओर की गई नक्काशी का कुछ भाग अब क्षतिग्रस्त हो चुका है। चैत्य गृह में उपस्थित स्तंभों के ऊपर बौद्ध दम्भ से संबंधित चिन्हों को गढ़ा गया है। मुख्य हॉल में स्थित खंभों पर की गई पॉलिश मौर्यकालीन चमक का आभास कराती है। बारह नंबर गुफा के बाईं ओर स्थित सीढ़ियां ऊपरी मंजिल पर बनाए गए विहारों की ओर जाती हैं। परिसर में दो मंजिला विहार भी बनाए गए हैं। चट्टानों के ऊपरी भाग को काटकर इन विहारों का निर्माण किया गया है। भाजे स्थित इन गुफाओं का निर्माण सातवाहन काल का है। ये गुफाएं महाराष्ट्र के सबसे पुराने चट्टानों पर निर्मित स्मारकों में से एक हैं। दसवें नंबर की गुफा में एक विहार है जो कि 14 फुट वर्गाकार है। इसमें आगे की तरफ 2 और पीछे की तरफ 3 कक्ष हैं। कक्ष के सभी दरवाजों पर मुख्य चैत्य के समान खिड़कियों की आकृति उकेरी गई है। परिसर में स्थित 20 मठों में से अधिकांश में एक बरामदा और हॉल है जिसके किनारे छोटी छोटी कोठरियों का निर्माण किया गया है। सत्रह नंबर की गुफा 18 फीट लंबी और 12 फीट गहरी है। इसमें एक छोटे विहार के साथ 5 कक्ष बनाए गए हैं जिसमें एक कक्ष के भीतर पत्थर की बेंच है। इसमें 2 शिलालेख पाए गए थे। इसके प्रवेश द्वार को खूबसूरत नक्काशी के द्वारा सजाया गया है। द्वार के एक सिरे को लकड़ी के दरवाजे के साथ जोड़ने के लिए इसके ऊपरी मध्य व निचले भाग को काटा गया है। निचली मंजिल पर स्थित विहारों की तुलना में ऊपरी मंजिल पर बनाए गए विहारों का आकार छोटा प्रतीत होता है।
15 नंबर की गुफा परिसर में उत्तर दिशा की ओर स्थित है। इस गुफा की चौड़ाई 6 फीट और गहराई 25 फीट है। इसमें कुल 7 विहार हैं। प्रत्येक विहार के भीतर पत्थर की बेंचें बनाई गई हैं, साथ ही पत्थरों को काटकर चौकोर खिड़कियों का निर्माण किया गया है। मुख्य स्मारक से दाहिनी ओर आगे के हिस्से में 14 स्तूपों का एक समूह है, जिसमें गुफा के भीतर 5 और बाहर की ओर 9 स्तूपों का निर्माण किया गया है। स्तूपों पर बारीक नक्काशी की गई है। उनमें से एक के ऊपरी हिस्से की हर्मिका सुरक्षित है तथा दूसरे स्तूप की हर्मिका का आधा भाग ही शेष है। यह स्तूप यहाँ निवास करने वाले भिक्षुओं की निशानी के तौर पर बनाए गए हैं, जिनका परिनिर्वाण पाजा में हुआ था। 3 भिक्षुओं जिनमें अम्पिनिका, धम्मगिरी और संगदीना के नाम के साथ एक शिलालेख प्राप्त हुआ था। स्तूप पर उल्लेखनीय विवरण भिक्षुओं के नाम और उनसे संबंधित उपाधियों को दर्शाता है। गुफा 18 यह एक बरामदे वाला मठ है। दरवाजे के दोनों ओर रथ पर सवार संरक्षकों की आकृतियां उकेरी गई हैं। विहार के ऊपरी भाग में छोटे छोटे स्तूप और यक्ष की आकृतियां बनाई गई हैं। इस शिल्प की रचना में एक महिला को तबला बजाते हुए व दूसरी महिला को नृत्य करते हुए दिखाया गया है। नीचे की ओर चट्टानों को काटकर जगह जगह खाई तैयार की गई है, जिसमें बरसात के समय चट्टानों के ऊपर से आने वाले पानी को एकत्र करने की सुविधा थी। साथियों, लाइक, शेयर व सब्सक्राइब के माध्यम से सम्यक दृष्टि को अपना सहयोग प्रदान करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में वीडियो से जुड़े आपके अनुभव और कीमती सुझाव हमसे ज़रूर साझा करें। धन्यवाद।